आज हम क्लास 9 से कबीर का दूसरा पद प्रमुख पद सबद पढ़ेंगे। अभी तक हमने साखियाँ पढ़ी थी, अभी तक हमने साखियों कबीर की साखियों को पढ़ा था, जिसमें कि कबीर ने ज्ञान की बात की थी, कबीर ने ज्ञान के बारे में बताया था। लेकिन अब सबद पढ़ेंगे। सबद में कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति का स्थान बताया है कि ईश्वर कहाँ बसता है। तो आइए हम पढ़ते हैं सबद, कबीर का सबद। तो आपके सिलेबस में सबद का 9th में यही एक पद है, पहला पद क्लास 9th के लिए है। तो आप इसको बहुत अच्छे से सुनिए। पहले मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर दास जी कहते हैं कि हे बंदे, हे मनुष्य, हे बंदे अर्थात हे मनुष्य, मुझे तुम कहाँ ढूंढते फिरते हो, मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ, मुझको तुम इधर उधर क्यों ढूंढ रहे हो। कबीर का कहना है, कहने का कि मेरी खोज में लगे हुए मनुष्यों, हे मेरी खोज में लगे हुए मनुष्यों, मैं तुम्हारे पास में हूँ, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर कह रहा है मैं तो तेरे पास में, तो अर्थात मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मंदिर में हूँ, देवल अर्थात देवल मतलब देवता का स्थल, देवता का स्थल अर्थात मंदिर। तो मैं ना मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद, और ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना काबे कैलाश में। तो अगर आप मुझे कैलाश पर्वत पर ढूँढने चाहें या काबा में ढूँढना चाहें, तो मैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिलूँगा। ये सब आपको भ्रमित करने वाली बातें हैं। ये क्या है, ये सब एक मनुष्य का बनाया हुआ है कि हम मंदिर में चले जाएं, मस्जिद में चले जाएं। लेकिन अगर सच्चे मन से हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन सच्चे मन से अगर हम ईश्वर की आराधना नहीं करते हैं, तो हमें ईश्वर नहीं मिलता। तो हम कैलाश पर्वत पे भी जा करके ईश्वर को ढूंढें, तो हमें ईश्वर नहीं मिल सकता। इसलिए कि ईश्वर कहाँ है, हमारे अंदर है। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना तो कौने क्रियाकर्म में, नहीं योग वैराग में। कि ना मैं मंदिर में हूँ, और ना मस्जिद में हूँ, ना काबे में हूँ, ना कैलाश में हूँ। तो मैं कहीं नहीं हूँ, और ना ही मैं किसी क्रियाकर्म में भी नहीं हूँ, और ना ही योग और वैराग्य के भाव में हूँ। कि अगर योग साधना करने लगे, तो जो करने लगा वो सोचे कि अरे मेरे अंदर ईश्वर का वास हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं वहाँ नहीं हूँ। और वैराग ले लिया, दुनिया से विरक्त हो गए, संसार से विरक्त हो गए, और सोचने लगे अरे मैंने तो संसार को त्याग दिया, मैं वैरागी हो गया, तो मुझमें ईश्वर बसा, नहीं मुझमें ईश्वर। तब भी मनुष्य, ऐसे मनुष्य तुम ढोंग फैला रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर नहीं बसूंगा। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि खोजी होए तो तुरंत ही मिलो। कबीर दास के अनुसार कबीर कहते हैं कि ईश्वर अगर सच्चा खोजी हो, अगर सच्चा ढूंढने वाला हो, तो मैं तुरंत मिल जाता हूँ पल भर की तलाश में। मैं कि अगर तुम सच्चे खोजी हो, तो देखो कि मैं पल भर की तलाश में, पल भर तुम मुझे ढूंढोगे और मैं मिल जाऊँगा, एक ही पल में मिल जाऊँगा। क्योंकि मैं तो सब सासु, कहे कबीर सुनो भाई साथो, सब स्वासु की सास में। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर तो कहाँ बसता है, सब मनुष्य की सांस में बसता है। तो इसलिए अगर मैं अपने अंदर ढूंढने का, अपने अंदर अपने व्यवहार के माध्यम से ईश्वर को ढूंढना चाहूँ, तो ईश्वर हमारे अंदर मिल सकता है, मेरे अपने ही कर्म में, मेरे अपने ही व्यवहार में, सब में ईश्वर दिखाई देता है, मेरे मन में ईश्वर, अपने मन में ईश्वर होता है मनुष्य के। तो इसलिए कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधु, कि हे मनुष्यों, हे साधकों, हे साधु साधकों, मैं किस में बसता हूँ, सबकी, सब मनुष्य की सांस में, श्वासों की सांस में, मैं सांस में ही, भीतर ही निवास करता हूँ, देवालय और कर्मकांडों में नहीं करता। तो इस तरह से एक और वीडियो में आपको एक बार फिर समझाऊंगी। तो पहले आप इसको समझेंगे, फिर दूसरे वीडियो में कि इसकी व्याख्या कैसे लिखी जाती है आप उसको समझेंगे।